बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसे समय पर निर्भर बताया और कहा कि समय आने पर सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन मंगलवार को अपने निवास पर हुई समर्थकों की बैठक में वे भाजपा से काफी नाराज दिखे। बैठक को संबोधित करते हुए कर्नल सोनाराम ने कहा कि उनके साथ बाड़मेर भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल के साथ कई स्थानीय नेताओं ने धोखा किया है। साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने भी उनकी ठीक तरीके से पैरवी नहीं की, जिससे उनका टिकट कटा। अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि गहलोत ने उनकी प्रशंसा की है, गहलोत से उनका कोई मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं, और वे उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट पर भाजपा ने कर्नल सोनाराम का टिकट काट कर कैलाश चौधरी को दिया है। तो मुख्यमंत्री से कोई व्यक्तिगत मेरा ना शोक कोई झगड़ा, आज भी मैं भी उनकी तारीफ की, मेरी भी तारीफ की, पर जब मुद्दों पे होता है राजनीति में होता है, तो इस तरह से आप फैसले कर देते हो तो दर्द होता है मेरे को। मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे हो गया, मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने बहुत भगवान ने बहुत कुछ देखा मैंने, पर इनको जो आज आए हैं, मैंने अभी सबने कहा हम तो ये जितने भी आए सब कांग्रेस नहीं, एक वोट नहीं देंगे दिल। वो कहता मैंने नहीं रखा, आप मुझे सवाल पूछे कि साहब आपको मिल जाएगा, ये मेरी मांग नहीं है, मुझे नहीं कोई मैं, पर लोगों ने कहा आपका जैसे आज मनोहर सिंह जी सिर्फ को टिकट नहीं दी पार्टी तक स्वाभिमान है, वो तो पिताजी एक का था, यहाँ मेरे 4 लाख आदमी जो मेरे छोड़ के आया उनका स्वाभिमान नहीं है क्या, है कि नहीं उनका, उनकी मैं छोड़ दूँ क्या? चुनाव आते रहते हैं, धीरे से बदलते रहते, सरकारें बदल देती है, पर सोनाराम जिंदा है तब यहीं रहेगा और मेरे कार्यकर्ता यहीं रहेंगे। आज कुछ महीनों के बाद में पंचायत के चुनाव है, मुझे वोट लेने नहीं पार्टी के लिए,